बजे हैं और मैं बैठी हूँ इन खूबसूरत सी वादियों के बीच बीर में। कल रात को 8:30 बजे की मेरी बस थी और बस वाले ड्राइवर बहुत ही अमेजिंग थे। उन्होंने बहुत ही स्पीड में बस चलाकर सुबह 8:30 बजे ठीक टाइम पे मुझे बीर पहुंचा दिया। सुबह 8:30 बजे मैं बीर पहुंची तो मेरा स्वागत किया यहाँ पर तेज बारिश ने। बारिश सुबह 4 बजे से ही मिल गई थी पर मुझे लगा मे बी सुबह तक बंद हो जाए, पर नहीं, बारिश टाइम के साथ और तेज होती गई। फिलहाल मैं रुकी हूँ मनोज गेस्ट हाउस में, ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है, बीर की जो मार्केट है वहाँ पे ही ऑन रोड है, मोस्टली फुल रहता है, पर मेरा लक अच्छा था, मुझे यहाँ पर एक रूम मिल गया। और उसके बाद फिर मैंने वेट किया बारिश रुक जाए, अब रुक जाए, पर नहीं, बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। और इसके साथ मुझे समझ आया कि आज तो मैं पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ नहीं था। तो फिलहाल मैंने वेट किया और अब जब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, अब मेरे को लग रहा है कि स्कूटी तो नहीं पर आज साइकिल लेके निकलना चाहिए और आसपास की लोकेशंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। मौसम थोड़ा तो मेहरबान हुआ है तो चलते हैं। बाहर घूमने निकले उससे पहले ज़रूरी है रूम टूर दे देना और यहाँ तक के बजट के बारे में आपको बता देना। व्लॉग का पूरा बजट ब्लॉग में धीरे 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 आपको पता चलता रहेगा, जैसे जैसे मैं खर्च करूंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी ताकि जब आप भी घूमने आए तो आपको पता रहे एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेटली आपके कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। जिस प्रॉपर्टी में मैं रुकी हूँ उसका नाम है मनोज गेस्ट हाउस करके, गेस्ट हाउस नाम है पर ये ऑलमोस्ट पूरा होटल टाइप ही है एंड रूम्स बहुत अच्छे हैं। फिलहाल ये है बालकनी, बहुत ही अच्छा स्पेस है, आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप ग्रुप में हैं चाहे आप अकेले हैं। और अब मैं दिखाती हूँ अपना रूम। सो बालकनी के साथ ही मेरा रूम है, ये है मेरा रूम, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है पर बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। अगले 3 दिन तक यही मेरा घर है। सो इसमें यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो, पीछे की विंडो बहुत ही सुंदर है, पीछे का पूरा व्यू यहाँ से दिखता है। ये एक डबल बेड, 2 चेयर्स बैठने के लिए, इधर टेबल, एक केटल मिली है और पानी जैसे आपको चाहिए हो, इसके साथ साथ इधर कुछ डेकोरेशंस और ये वॉशरूम। ये जो प्रॉपर्टी है जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम है मनोज गेस्ट हाउस, ऑलमोस्ट बिल्कुल मेन रोड पे ही आपको मिल जाएगी। अगर आप बस से आ रहे हैं तो हार्डली 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस होगा पैदल चल के आने में। एंड ये पूरा रूम जो है वो मुझे मिला है 650 रुपी पर नाइट पे। आप जब आएंगे तो आपको इससे ज़्यादा बता सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड आप किस तरह से उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, बट मुझे ये 650 पड़ा है क्योंकि मैंने 3 दिन के लिए बुक किया है। एंड जो वोल्वो जिससे कल मैं आई उसका प्राइस था 1150 रुपी। या मैंने HRTC की वोल्वो बुक नहीं की, वो 1500 कुछ की थी। तो ट्रैवल करते हुए, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हुए आप जहाँ जितने पैसे बचा सकते हैं आपको बचाने चाहिए, यू नेवर नो वो आगे किस चीज़ में, किस बेटर चीज़ में कहाँ काम आए। वैसे ये फंडा लाइफ के लिए भी है इसलिए सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये है मेरे पीछे की बालकनी, ये है जहाँ मैं अभी जब तक बारिश हो रही थी मस्त मस्त आ रही थी। अभी कोई तो ग्रुप बहुत शोर मचा रहा है और हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, अब चलते हैं बाहर, साइकिल रेंट करते हैं, देखते हैं साइकिल का किस हिसाब से क्या रेंट है और फिर एक्सप्लोर करते हैं बीर को। सो अभी हम आ गए साइकिल पाथ पे भैया की शॉप पे और ऑलमोस्ट यहाँ पे कितनी साइकिल्स रहती हैं आपके पास जनरली? 10 साइकिल इनके पास होती हैं, मैं अकेली हूँ तभी मैं फिलहाल एक ले रही हूँ और चार्जेस पर आर 100 रुपीज और अगर पूरे दिन के लिए आपको चाहिए तो 500 रुपये और सारा इनका गियर का क्या सिस्टम है वो ये सब समझा देंगे। और अभी इन्होंने मुझे बताया कि मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा मॉनेस्ट्री जाना। क्या नाम है मॉनेस्ट्री का? शिवलिंग। तो शिवलिंग मॉनेस्ट्री हम चलते हैं, यहाँ से 6 to 7 किलोमीटर है। तो अभी हम साइकिल लेते हैं और मॉनेस्ट्री चलते हैं। ये है आपको गियर के बारे में बताता हूँ आपको, ये लेफ्ट हैंड वाला आपको यूज़ नहीं करना है, ये स्पीड बढ़ाने के लिए होगा। अच्छा। और राइट हैंड वाला आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हैं। जस्ट अभी साइकिल लेके निकली हूँ, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हुआ होगा और इधर का नज़ारा, मॉनेस्ट्री यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर होगी, वहाँ तक का रास्ता पता नहीं कैसे कवर होगा बट सुंदर लग रहा है ना,
बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर एंड बीर में साइकिलिंग प्रॉपर एडवेंचर स्पोर्ट है। अगर ये समझ के कभी कर रहे हो या करने वाले हो कि फन है बस मजा आएगा, सांस यहीं पे अटकी हुई है ऊपर बने आ रहे डाउन हिल पे जाएगी तो रुकेगी नहीं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है बस मैं गई, ये वाली डाउन हिल आई और बस स्पीड ऐसी हो जाती है, मुझे लगता है अब या तो मैं इधर पड़ी होंगी या इधर, और हाँ फिर आएगी एक कदम नहीं चलती भाई, इतना मनाना पड़ता, इतने पैडल मारने पड़ते इतनी बुरी तरह से। मुझे तो नहीं पता कि मैं मॉनेस्ट्री जा भी पाऊंगी या नहीं। फिर मैं साइकिल चलानी है तो एक तो जब डाउन अप हिल आती है सॉरी तो वहाँ पे पैडल 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 और हिम्मत, और जब डाउन हिल आती है ब्रेक 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 कॉन्फिडेंस, ब्रेक 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 कॉन्फिडेंस, ब्रेक 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 कॉन्फिडेंस। पहाड़ों पे साइकिल चलाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इससे मैंने पहले कभी साइकिल नहीं चलाई पहाड़ों पे, चलाई तो मैंने गाड़ी बाइक साइकिल स्कूटी कुछ भी नहीं है, बट ये जिस तरह से मैं अभी घूम रही हूँ ना अकेले मस्त मौला एकदम, ये फील मैंने कभी नहीं लिया। अब देखो इससे पहले सोलो वाला मेरा ऋषिकेश का ब्लॉग था, पर वहाँ पे जो घूमने का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही अलग था, यहाँ पे जो घूमने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अलग है। मॉनेस्ट्री 500 मीटर है डाउन हिल से, मैं इधर आ गई, लुक एट दिस व्यू, ये इतना सुंदर है, और ये मेरी बास्ट, इसने मुझे कहीं नहीं गिरने दिया। लिटरली कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि अब मैं स्लिप हुई, बट ये और मेरा कॉन्फिडेंस मैं और पहुंच गई। स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे आना शुरू करोगे ना तो स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ऐसा लगेगा जब आपको लगेगा नहीं वर्थ नहीं है जाना, साइकिल से नहीं जाया जा सकता, स्कूटी कर लेते हैं गाड़ी कर लेते हैं, बट उन 2 किलोमीटर्स के बाद जो रोड शुरू होती है ओ माय गॉड, आपको प्यार हो जाएगा उन रोड से, एंड स्पेशली अगर टाइम ऐसा है जैसे अभी जिस टाइम पे मैं हूँ, बहुत ही अच्छी सी बारिश हुई हुई है, इतनी ग्रीनरी है, थोड़ी सी ठंडक है, अमेजिंग, इतना मजा आ रहा था चलाने में तब कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रुकूं, एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल, ये सब इतने सुंदर व्यूज हैं यहाँ, इतना मजा आ रहा है, और ये सब मेमोरीज हैं। एंड पता है कुछ चीजें मैं आपको बस दिखा सकती हूँ, बट जिस टाइम मैं उस लोकेशन पर लाइव हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ, जो एक्सपीरियंस है जो फीलिंग है वो शायद कैमरे से एक्सप्रेस नहीं हो सकती। एंड मेमोरीज, जब मैं 60 साल की नहीं, जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी ना, जब मैं अपने बेड से हिल भी नहीं पाऊंगी, तब मैं ये सब कुछ याद किया करूंगी, मैंने ये सब कुछ किया था, मैं जो करना चाहती थी मैंने अपनी लाइफ में वो किया। कोरोना की वजह से बीर में अभी सारी मॉनेस्ट्रीज बंद है, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं बाहर से शूट कर पाती, था तो यहाँ तक का रास्ता जो आपने अभी अभी मेरे साथ तय किया। मॉनेस्ट्री से वापस आते आते अब शाम हो चुकी थी, और अब टाइम था कुछ अच्छा खाने का, जितनी मेहनत की है उतनी पेट पूजा भी करनी थी। हम आ गए हैं हिमालयन पिज्जा कैफे में, मैंने यहाँ का काफी नाम सुना है, पिज्जा कैसा होता है वो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल यहाँ पर है हिमालयन पिज्जा कैफे। Just don't get too far and I'll be right.
बारिश होना शुरू हुई, नॉन स्टॉप पूरे दिन होती रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोलो ट्रैवलिंग में रूम में बैठे बैठे करो तो क्या। कोरोना की वजह से इस बार मैंने डोम लिया नहीं, मतलब मैं हॉस्टल में नहीं रुकी, मैंने रूम बुक किया, पर्सनल रूम। बट यही होता है सोलो ट्रैवलिंग में ना, या तो आप लोकेशन एक्सप्लोर करो, बाहर निकल जाओ, रूम में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। अब जाके बारिश रुकी है, अब मैं एक्सप्लोर करूंगी बीर। मेरे साथ वाले रूम में देयर इज वन गाय जो कि वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम माउंटेन हो रहा है उनका, और इस शर्त पे वो मुझे बीर घुमाने के लिए तैयार हो गए हैं कि मैं उनको रिवील नहीं करूंगी अपने व्लॉग्स में। सो उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी के साथ अब हम बीर एक्सप्लोर करने चलते हैं। तो मैं इस टाइम हूँ टी फैक्ट्री में, और ये पूरे पीछे टी के बागान हैं। इस टाइम पे यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा और कोई लोग यहाँ पर नहीं थे। फैक्ट्री खुली थी पर अंदर कुछ भी नहीं था। मुझे ये साहब मिले, ये जाने नहीं दे रहा था दो सेकंड के लिए, मुझे समझ नहीं आया, मुझे काटने आ रहा है या क्या चक्कर है, बट अच्छा है, ठीक है, बाय बाय। अब यहाँ से टाइम है दूसरी जगह जाने का। ये आप क्या बता रहे हो, ये लाइट होती है, कड़क नहीं होती उतनी, कलर नहीं देगी ये उतना, जैसे दूसरी जो चाय पत्ती होती है ना वो जैसे कलर दे देती है। हाँ, ब्राउन उस हिसाब से नहीं है। अच्छा जी, ओके, लाइट ही रहेगी। यहाँ के अपने लोगों की बनाई हुई है ये यहाँ पे। टी फैक्ट्री से निकलकर मैं चल पड़ी हूँ अब अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। कोविड और बारिश की वजह से भीड़ थोड़ी कम है, पर रास्ता और मौसम बहुत ही खुशनुमा है। खड़ी हूँ बैजनाथ मंदिर के पास। मेन बीर से ये लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका टाइम खुलने का सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक है, पर मंदिर के अंदर शूट करना मना है, एंड उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। सो मेन मंदिर में मैंने अंदर शूट नहीं किया। आप यहाँ आए तो आप देख सकते हैं पांडवों के समय का बनवाया हुआ ये मंदिर है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है और वो इस मंदिर को देख के ही समझ आता है। पर यहाँ अगर आप आए बीर में तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा सजेशन है, कि आपको बैजनाथ मंदिर ज़रूर आना चाहिए। जगह है बीर और इसके आसपास की जो जगहें हैं वहाँ के तीर्थ स्थल हैं, और लगभग 7-8 मंदिर हैं जिनका एक सर्कल है, तो हर जगह को पूरा करते हुए वो तीर्थ पूरा होता है। खैर उतना समय भी नहीं है मेरे पास, और उतना अभी मैं जा भी नहीं सकती हूँ। कुछ टेंपल्स जो हैं वो 32 किलोमीटर तक दूर हैं, तो मैंने फ़िलहाल बैजनाथ और उसके बाद महाकाल का मंदिर कवर किया, आपने देखा। पर अगर आपकी फैमिली है, अगर आप लोग चाहें तो आप ज़रूर आ सकते हैं, पर हाँ बैजनाथ मंदिर और उसके बाद कालका मंदिर ज़रूर कवर किए करिएगा। अच्छा लगता है अपनी इन जगहों को भी देखना, अपने मंदिरों को देखना, क्योंकि
क्योंकि इन चीज़ों के पीछे भी ना हिस्ट्री जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं। ये सारे मंदिर पांडवों के टाइम के हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ के डिज़ाइंस सब बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको पीस और खुशी मिलती है। बीर के दो दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। खैर, दूसरे दिन का एंड हो रहा है माफिया कैफे पर। माफिया कैफे इज मच बेटर देन हिमालयन पिज़्ज़ा। हियर यू कैन एंजॉय फूड, एम्बियंस, म्यूजिक एंड चिल बियर। सो एपिसोड 1 का एंड हो रहा है यहीं पर एपिसोड 2 में मैं आपको दिखाऊंगी बीर की फेमस पैराग्लाइडिंग, वाटरफॉल एंड मच मोर। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर गमक्कड़ पांती पर। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।